हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज के गेम प्ले में अपने कॉन्कर लोबी में चिकन निकालेंगे बढ़िया, मतलब अच्छे किल वगैरह से। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ ऊपर उतरते हैं और यहाँ पर अपने किल निकालने का ट्राई करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर चलते हैं आज के गेम प्ले की तरफ। तो मैं इधर ऊपर उतरा था, अब इधर तो सबसे पहले गन देखते हैं। भाई ये दिक्कत है यार, इधर है ना थोड़ा गन का इश्यू होता है। अगर गन मिल जाते तो बंदा मार लेते हैं, वरना अपना को ही मरना पड़ता। अब यहाँ मेरे को डीपी मिल चुकी है। ये वाले बंदे को तो अपने इजी मार दिया। अब यहाँ पर देख रहा था कि और कोई बंदा आता है तो उसको भी मारेंगे, ठीक है, वरना तो अपने को भाई पर लूट वगैरह करके इधर से निकलता। अब मेरे को ये था कि सामने एक यूएमपी वाला बंदा है, वो यूएमपी वाले बंदे से भी फाइट लेना पड़ेगा। तो उससे पहले अपने इधर थोड़ा लूट वगैरह कर लेते हैं, हेलमेट वेस्ट करके पक्का, फिर अपने इधर से निकलते हैं और बंदे मारने के लिए। तो फिर अब अपने को भाई देखो इधर गन वगैरह मिल जाते हैं। अब सामने से आता है एक बंदा तो उसको भरते हैं अपने, भाई उसको मैंने डैमेज दिया। वो बंदा लिटरली भाई लेट गया था, उसने मुझे एक एचपी छोड़ दिया पर अपने ने उसको मार दिया। तो अब देखो अपनी इधर लूट वगैरह तो हो जाती है, तो ये वाले बंदे को लूट के अपने चुपचाप से होल्ड करके बैठते हैं। अगर कोई बंदा आएगा तो उससे फाइट लेंगे, नहीं तो अपने इधर ही होल्ड करेंगे। तो भाई उधर से लूटने के बाद मैं आ जाता हूँ राइट वे, तो मैं इधर थोड़े बंदे वगैरह सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अब इधर से भी जाने का टाइम आ चुका होता है। तो फिर भाई अब इतना गंदा सीन होता है मेरे साथ, मैं जैसे ही नीचे जा रहा होता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले देखो मेरे पास तो लूट वगैरह तो होती है, तो मैं सोचता हूँ कोई गाड़ी के लिए अपने निकलते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट रोड के ऊपर आया था, अब गाड़ी तो मुझे दिखती तो है नहीं, तो मैं सोचता हूँ चलो रोड के ऊपर पैदल चलते हैं। सामने मुझे जीप दिख चुकी है, ठीक है भाई। जैसे ही मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये बाइक वाला मुझे मारने के लिए रुक जाता है। भाई ये बंदा मेरे को समझ नहीं आया कहाँ से आया, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पर मर जाता ना मेरा अच्छा खासा माइनस लगता, ठीक है ना ही मेरा भी ज़्यादा किल थे कि मेरे को थोड़ा बहुत प्लस भी मिल जाता, ठीक है। अगर कॉन्कर लोबी में अगर आप टॉप 10 या टॉप 20 नहीं आओगे तो माइनस मतलब लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो भाई मैं इधर इस बंदे को तो अपने ने मार दिया। अब ये वाले बंदे को मारने के बाद हेल्थ वगैरह करके अपने इधर से निकलते हैं। अब ये बाइक का टायर भी फट जाता है, ठीक है, तो ये बाइक भी नहीं चल रही होती, तो मैं सोचता हूँ कि अपने पैदल ही चलते हैं। सामने गाड़ी है, गाड़ी लेके अपने कोई ना कोई कंपाउंड होल्ड करते हैं। तो फिर अब अपने इस तरफ आ चुके थे, मैं सोचा कि इधर एक दो मिनट के लिए होल्ड करते हैं, फिर गाड़ी लेके अपने इधर से निकल जाएंगे, ठीक है। अब अपने इधर ही रुक जाते हैं क्योंकि भाई देखो अपनों को करना था होल्ड, अपनों को एंड जोन तक पहुँचना था, एंड जोन के बाद अपने उधर बंदे मारेंगे। तो ये वाला गेम अपने चिकन निकालेंगे। गाइस अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर अपने चलते हैं सामने वाली गाड़ी लेके, पहले ये रेड जोन ख़त्म हो जाए। अभी ये रेड जोन देखना मेरे ऊपर क्या ही गिरेगा भाई, ये वाले रेड जोन ने सारे शीशे तोड़ दिए मेरे कंपाउंड में जो भी थे। तो फिर अभी जैसे ही रेड जोन हटता है अपने गाड़ी लेके इधर से निकलते हैं। तो भाई अब मेरे को गाड़ी तो मिल चुकी थी, अब मैंने सामने देखा कि भाई सामने है ड्रॉप, तो मैं सोचा कि गाड़ी को ना अपने थोड़ा बाहर लगा के रखते हैं ताकि कोई भी बंदा आएगा उस बंदे को पता लग जाएगा कि घर में बंदा है, ठीक है। तो अगर उस बंदे को पता लग गया कि अगर घर में बंदा है तो वो घर में आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई देखो स्टार्टिंग में मैं भी फाइट नहीं लेना चाहता था किसी से भी। तो भाई अभी ये था सीन, भी सामने ड्रॉप गिरा हुआ है, ठीक है। तो अपने ड्रॉप को ऊपर देखते हैं, अगर कोई बंदा वगैरह आता है तो अपने उस बंदे को दूर से मारने का ट्राई करते हैं, नहीं तो अपने इधर से ही होल्ड करते हैं शांति से। तो फिर भाई अपने इधर ही होल्ड करके बैठे होते, इतनी देर में सामने ड्रॉप पे आए थे गाड़ी, तो ये गाड़ी वाले को मारने का अपने ट्राई करते हैं। भाई यार एक तो ये बंदा मुझे दिख भी नहीं रहा था, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी दिखता तो फिर भी अपने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देते, बट एक या दो ही गोली लगी थी, बट इतनी देर में बोट आया था अपने बोट को ही मार दिया। तो फिर देखो अब भी अपने थोड़ा देखो इधर वेट ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये भी डर था कि अगर सामने वाले बंदे के पास AWM हो ही ना तो वो अपन को भर ही देगा पूरा, मतलब
स्कोप वगैरह हुआ तो वो छोड़ेगा नहीं। तो अब मैं देख रहा था कि वो बंदा गाड़ी लेके कब निकलेगा, तभी मैं फायर दूंगा उसको, नहीं तो मैं फायर नहीं देने वाला था। तो मैं सोचा कि यार वो बंदा गाड़ी लेके निकल ही नहीं रहा। फिर मैं समझ गया था कि उस बंदे के पास कोई ना कोई स्नाइपर है, तभी वो दूर की फाइट लेने में इंटरेस्टेड है। और देखो अभी वो बंदा M4 दे रहा है ताकि मेरे को लगे कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ M4 है। तो मैं मतलब जो मेरा शक था वो पूरा यकीन में बदल गया कि उस बंदे के पास कोई AWM या M24 वगैरह गन मिली हुई है। तो फिर अब उस बंदे के पास तो मेरे को ये था कि उस बंदे का स्नाइपर है, तो मैं उसको पीक ही नहीं देता हूँ, तो मैं इधर ही होल्ड करता हूँ। तो देखते हैं अगर वो बंदा उधर से जाता है तो ठीक है, अगर वो बंदा अपने ऊपर रश करता है तो अपने को फाइट लेनी पड़ेगी। तो भाई वो जो बंदा था जिसने ड्रॉप लूटा था, वो बंदा मेरे ऊपर कर देता है रश। अब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई ये बंदा मेरे ऊपर रश करेगा, क्योंकि भाई अगर इसको भी तो थोड़े बहुत प्लस चाहिए होंगे, बट भाई ये बंदा तो था पूरे मारने के मूड में। ठीक है, तो फिर मेरे को ये था कि अब इससे फाइट लेनी पड़ेगी, तो अपने इसको मारने का ट्राई करते हैं। इसके साथ ही मेरी थोड़ी बहुत मतलब 30 या 40 सेकंड की फाइट चलती है, तो फिर चलते हैं अपने ये वाली लड़ाई देखते हैं। भाई वो बंदा भी ना सीढ़ियों में बैठा था, बट मैं भी इधर ही था, मेरे को लगा थोड़ा सा भी पीक देगा, मैं भी भाई मारने के मूड में था। ठीक है, अगर वो बंदा ऊपर आया तो भाई देखो मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो मैं सोचा कि अगर वो बंदा सामने है तो सामने नेड करने का ट्राई करते हैं, बट वो बंदा समझ जाता कि भाई बंदा नेड कर रहा है। ठीक है, अब ये बंदा कभी कभी मेरे को मतलब ये जताना चाहेगा कि मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। भाई ये बंदे को लगा था कि मैं इधर कैंप करके बैठा हूँ, बट भाई मैं इधर बंदे मारने के लिए आया था, क्योंकि देखो अगर आप जोन में बैठे हो ना तो बंदा तो आ ही आएगा। वो देखो वो बंदा उधर ही है, वो बंदा मेरे को कह रहा है कि नीचे आ नीचे आ, वो थोड़ा बहुत फायर देगा फिर नीचे चल जाएगा, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी दिखाएगा फिर वापस से नीचे चल जाएगा, ताकि बंदे क्या करते हैं उसको थोड़ा बहुत भी देख के ना उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो मैं तो इधर ही बैठा रहूँगा, अगर आएगा तो मैं इधर से फाइट लूँगा, क्योंकि मेरे को तो ऊपर ही फाइट लेनी है, क्योंकि मेरा जोन ऊपर है, उस बंदे का जोन नीचे है, तो इसलिए अपने उस बंदे को ऊपर आने तक का वेट करेंगे। नहीं तो नीचे गाड़ी खड़ी है, अगर वो चाहे तो नीचे जा सकता है, क्योंकि भाई मेरे को भी फाइट लेने का मतलब कोई फायदा तो है नहीं इधर। तो मैं इधर एक बार उसको नेड मारने का ट्राई करता हूँ, मेरे को लगा कि अगर मैं नेड पिन खींचूंगा तो वो बंदा ऊपर आएगा, तो वो बंदा काफ़ी देर के लिए वो नीचे चुपचाप कैम्प करके ही बैठ जाता है। तो भाई थोड़ी देर के बाद ये बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है, तो भाई ये बंदा लेके आता है DBS, क्योंकि तो भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था, इस बंदे को लगा कि ये बंदा DBS लेके आया, बट इसमें इतनी अक्ल नहीं थी, अगर ये DBS ला रहा है तो उसके साथ स्नाइपर क्यों लेके आ रहा है, अगर नीचे वैसे जब स्टार्टिंग में आया था तब ये M249 लेके आया था। ठीक है, जब ये M249 लेके आया था तो भाई ये बंदा AWM नीचे छोड़ देता और उसके बजाय DBS उठा लेता। ठीक है, ताकि एक ऑटो गन हो जाती है, एक शॉट गन हो जाती है एक बंदे के फाइट लेने के लिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद ये जोन भी यहाँ से बनने वाला होता है, तो मैं सोचता हूँ इधर से गाड़ी लेते हैं और जल्दी से चलते हैं जोन में। ठीक है, अब अपने पास AWM थी और बैरल थी, तो मैं सोचता कि भाई अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्लोज रेंज में बैरल है और लॉन्ग रेंज के लिए AWM तो भाई देखो बेस्ट है ही है। तो अब इधर जोन बन चुका था, तो मैं सोचता हूँ जल्दी से चलते हैं जोन में। तो भाई जोन जा तो पुचिंग किया स्कूल था, दोनों में से एक तरफ जा रहा था, तो वो जो सबसे पहले अपने पचिंकी के स्क्वाड हाउस पे जाके होल्ड करते हैं, उसके बाद देखेंगे अपने को कौन सा कंपाउंड होल्ड करना है अगर जोन बनेगा तो फिर अपने चलते हैं स्क्वाड हाउस। तो फिर अब अपने इधर स्क्वाड हाउस में तो देखो आ चुके हैं। अब स्क्वाड हाउस में क्या था, अगर यहाँ पर बंदा होता रहा तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला था, यानी कि ये रेड जोन बार बार अपने ऊपर ही बन रहा था। तो मैं सोचा कि भाई देखो अब अपने इधर जोन बनने तक का वेट करते हैं, अगर साइडों में कोई बंदा वगैरह होएगा तो उस बंदे से भी अपने फाइट ले लेंगे, क्योंकि अपने पास है AWM। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर चलते हैं और बंदे वगैरह स्पॉट करते हैं। तो थोड़ी देर में जोन जाने का भी टाइम है, तो इतनी देर में यहाँ से आती है गाड़ी, तो ये गाड़ी को फायर देते हैं अपने। भाई वो बंदे को तो डैमेज लगा नहीं, बट ये गाड़ी को डैमेज लग गया। तो अब वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर चल चुका था, तो मैं सोचा कि अगर देखो अगर गिरता तो ठीक है, थोड़े एक दो AWM के शॉट लगा लेते हैं, बट इतनी देर में पता लगता है भी अब जोन भी बन चुका है,
ठीक है, और पीछे से भी M24 का फायर आ रहा था, तो मैं सोचा देखो भाई इधर गाड़ी लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। मेरे को भाई कोई ना कोई कंपाउंड चाहिए था जो जोन में हो, ठीक है। बाय द वे मेरे पास 5 या 6 शील्ड होती हैं जो कि मेरे लिए अच्छी होती है। मैं सामने जा रहा हूँ तो इधर ही मेरी गाड़ी ठुक जाती है, तो एक बार के लिए तो मेरे को डर लगता है कि मेरे को कोई फायर ना दे दे, ठीक है। तब सामने वाले कंपाउंड में मुझे बग्घी दिख जाती है, तो मैं सोचता भाई देखो इधर तो बंदा है, ठीक है। तो मैं सोचता थोड़ी ऊपर पहाड़ी की तरफ चलते हैं, अगर पहाड़ी की तरफ कोई बंदा नहीं हुआ अपने उधर ही होल्ड कर लेंगे। तो मैं सोचता यार अभी तो जोन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पहाड़ी में तो जाने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई ना कोई मार ही देगा दूर से। तो मैं थोड़ा सा रोटेशन ला के गाड़ी सामने वाले कंपाउंड में ठोक देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि वो वाले बंदा वो वाले कंपाउंड में बैठे, मैं ये वाले कंपाउंड में होल्ड कर लूँगा, बट वो वाला बंदा मेरे को फायर पे फायर देता रहता है। तो भाई अब अपने जोन में आ चुके थे, ठीक है। तो अब सामने कोई बंद अब अपने पास EWM में थी, अब सामने कोई बंदे वगैरह होते तो अपने उन बंदों को मारने का ट्राई करते EWM से। तो फिर अब यहाँ जोन भी स्टार्ट हो चुका है, अब सामने एक बंदा होता है उसको मारते, इतनी देर में मुझे क्लोज में बंदा दिखता है। अब ये बंदे को मैंने EWM का शॉट दिया, अब इसको बैरल से मारते हैं। भाई ये बंदे को मैंने EWM का शॉट दे दिया था, बट ये बंदे ने मेरे को भी फायर दिया, इतनी देर में इस बंदे के पीछे आई थी बाइक, तो ये बंदा बाइक वाले को मारता और मैं इसको मार देता हूँ। तो अब यार जोन बनने वाला था, अब मेरे को ये था कि अगर जोन मेरे पास बना ना तो भाई अपनों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बट भाई इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, ठीक है। तो अब अपने चलते जोन में वापस। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अभी 2 मिनट पड़े हैं जोन में जाने के लिए, तो अपने 2 मिनट तक इधर ही वेट करते हैं। इतनी देर में वो जो सामने लेफ्ट में घर वाला बंदा था, वो बंदा मेरे पास नेट पे नेट मारने लग जाता है। मगर यार वो वाले बंदे को पता नहीं क्या ही दिक्कत है, तो मैं इधर होल्ड करके बैठ जाता हूँ। मैं सोचा कि अभी अपने इधर ही होल्ड करते हैं, अभी फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है, जैसे जोन बनेगा तो जोन में जाने का अपने ट्राई करेंगे। तो वह इतनी देर में जोन बन जाता है, तो मैं इधर से गाड़ी निकालता हूँ और इधर से डायरेक्ट जाते हैं जोन में। अब मेरे पास थी 6 शील्ड, तो भाई वो बंदा पीछे जो बंदा था वो मुझे फायर वगैरह दे रहा था, अब राइट में भी एक बंदा होएगा, वो बंदा ही मुझे फायर दे रहा है, ठीक है। तो अब अपने जल्दी से निकलते हैं। अब देखो जोन में कोई भी जगह मिले ना भाई, देखो कोई मर्जी जगह मिले, अब छोटा सा जोन है, कहीं पर भी जगह मिले वहीं पर ही शील्ड लगाओ, शांति से कवर बना के लेट जाओ, ठीक है। अब मैं सोचा कि देखो अब मुझे तो कवर मिलने थोड़ा दिक्कत हुई, और यहाँ पर मैं देखा कि यहाँ पर आगे 2 पत्थर होते हैं, तो अपने भाई वो 2 पत्थर के आसपास शील्ड लगा लेते हैं और उधर ही होल्ड कर लेते हैं। तो मैं देखा कि भाई इधर पत्थर है, इधर मैंने गाड़ी लगा ली, इधर मैं शील्ड ही शील्ड लगा देता हूँ, क्योंकि भाई अपने 6 शील्ड मिली थी, तो वैसे जल्दी ये शील्ड लगाते हैं, अपना कवर बनाते हैं, और जोन भी मेरे पास ही बना था। तो मैं देखा कि अब ये वाली जगह खाली है, तो मैं सोचा इधर भी शील्ड ही लगा दो, ठीक है, ताकि अपना प्रॉपर कवर बन चुका था, जब अपने इधर से निकलेंगे तो अपने गाड़ी में गेट इन करके कैसे ना कैसे अपने निकल जाएंगे। तो अभी इधर ड्रिंक वगैरह करते हैं और बंदे कम होने का वेट करते हैं, और अगर अपनों को कोई भी बंदा उसको टसा और उसमें तो फाइट लेंगे लेंगे, ठीक है। अब सामने भी एक बंदा था, वो बंदा शील्ड लगाए बैठा, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उसको नेट मारते हैं, अगर नेट गिरता है तो। अब देखो भाई यहाँ से तो पत्थर आ रहा था, तो कोई लोकेशन तो पता चल नहीं रही थी, तो मैं सोचा कि थोड़ा इधर से मारने का ट्राई करते हैं। तो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, ठीक है, उसको नेट तो लगता है नहीं, तो मैं सोचता चलो एक और नोइड है, ये वाला नेट भी अपने ट्राई कर लेते हैं, अगर लगता है तो ठीक है। तो भाई नेट तो अपने लगे नहीं, तो मैं सोचा अब इधर ही होल्ड करते हैं, नेट भी अपने ख़त्म हो चुके हैं, कोई बंदा आएगा तो अपने उसको मारेंगे। तो भाई इतनी देर में आती है गाड़ी, ये भाई अब मेरे हाथ में होती है AWM, तो ये बंदे को अपने बैरल से मारने का ट्राई करता है। अब इधर से तो मैं निकल नहीं रहा, तो मैं सोचता इधर से मेरे को रास्ता मिलता, तो वो बंदे को थोड़ा बहुत तो अपने डैमेज दिया, बट वो बंदा बाइक से नहीं हुआ, ठीक है। अब जो पीछे बंदा है ना, वो बंदा आएगा ही आएगा, क्योंकि जोन बन चुका था, अब वो बंदा बैठा था, उसके लेफ्ट में भी ऊपर बंदा था, अब वो बंदे ने जस्ट मेरे सामने ही शील्ड बनाई है। तो मैं सोचा अब एक बंदा तो इधर है, एक बंदा ऊपर है लेफ्ट में, अगर इन दोनों की फाइट होएगी तो अपने इनमें से एक को मार देंगे। तो फिर भाई अभी जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो मैं सोचा सबसे पहले स्मोक वगैरह करते हैं और जोन में जाने का इजी रहेगा। तो इतनी देर में बंदा ऊपर से बग्गी लेके निकलता है, तो बग्गी वाले को थोड़ा बहुत डैमेज दिया, तो मैं सोचा चलो इसको ब्रश कर देते हैं।
तो भाई ये बंदे को तो अपनों ने इजी मार दिया, तो सबसे पहले मैं हेल्थ लगाता हूँ, फिर इधर से अपने निकलते हैं। और ये ऊपर वाले बंदे ने जो मेरे राइट में बंदा था इसने उसको मार दिया था। तो भाई अभी इधर तीन बंदे लाइव थे, तो मैंने सोचा कि भाई जल्दी से स्मोक तो है नहीं देखो, तो मैंने सोचा कि अपने ना इधर पेड़ के पास आके शांति से शील्ड लगा के आराम से होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पूरी करते हैं, ठीक है। अब मैं सोचा कि देखो ना ही मेरे पास स्मोक है ना ही मेरे पास नेड है, थोड़े बहुत क्रिस्टल होते तो मैं क्रिस्टल से नेड या स्मोक मंगवा लेता। तो सबसे पहले मैं हेल्थ करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सामने जो बंदा था ना जो लाल वाली गाड़ी में आया था वो वाला बंदा मर चुका है, तो अपने उसकी पेटी ईजी लूट सकते हैं, ठीक है। और दो बंदे लाइव हैं और मेरे को जोन में भी जाना था, अगर मैं ओपन जोन में जाऊँगा तो कोई ना कोई मार देगा, बिना स्मोक के तो होएगा नहीं। तो मैं सोचता हूँ भाई मैं सामने वाली पेटी लूट लेता हूँ, अगर सामने वाली पेटी में नेड या स्मोक वगैरह हुए तो अपने इजी जोन में जा पाएंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से आता हूँ, और तो और इधर जोन बनने का भी टाइम हो चुका था, ठीक है। तो मैं सोचा यार जल्दी से अपने इसकी पेटी में से स्मोक वगैरह मिलते हैं, तो स्मोक वगैरह उठा लेते हैं। भाई इसकी पेटी तो फुली लोडेड थी भाई, सामान भी बहुत मिल गया। तो मैं सोचा जल्दी से अपने स्मोक करते हैं आगे, उसके बाद जोन में जाएंगे। तब इधर अपनों ने स्मोक तो भाई देखो, अब मेरे को बंदे का कोई भी आइडिया नहीं था कि बंदा बैठा तो बैठा किधर है, तो मैंने स्मोक कर दिया। मेरा हाथ जा तो एक फायरिंग वाले बटन पे था, एक शील्ड वाले बटन पे था, ठीक है भाई। कहीं किधर से भी फायर है मैं उधर ही शील्ड बना दूंगा। तो सबसे पहले अपने जोन में आते हैं, तो भाई सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अभी भी 1 मीटर जोन है। अब यहाँ पर मैं जोन में आ चुका था, अब जो लेफ्ट वाले बंदे ने वो राइट वाले बंदे को मार दिया, तो भाई मैंने यहाँ पर टाइम पे शील्ड बना ली, नहीं तो बंदा मुझे मार देता। मुझे वो बंदा अभी भी नहीं दिख रहा था, वो बंदा मुझे मतलब मारी जा रहा था, मेरे को बंदा पता ही नहीं लग रहा था कि वो बंदा मार कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले तो अपने रैंडम नेड फेंकते हैं, अगर वो नेड से मरता है तो ठीक है, फाइट लेने की जरूरत ही नहीं है। वो देखो वो भी मुझे फायर दे रहा है, मुझे पता ही लग रहा है उस बंदे को लोकेशन दिख कहाँ से रही है। तो मैं कह यार ये बंदा तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं थोड़ी देर में अब देखो दो ही नेड थे, मैंने दो ही नेड मार दिए, ठीक है। मैं सोचा ये ड्रिंक लगा के अब अपने नॉर्मली मार सकते हैं कि गन से अगर बंदा दिख रहा है, मेरे को बंदा अभी भी नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी देर में मैंने वहीं पर ही रैंडम फायर दिया और वो बंदा किल हो गया। तो अब देखते हैं अपने को कॉन्कर लॉबी में कितना प्लस मिला है। तो ने कहा अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यानी कहा अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर अपने देखते हैं कि इधर अपनों को कॉन्कर लॉबी में कितना प्लस मिला। भाई अपनों को मिला 28 प्लस, 8 किल के ऊपर मैंने चिकन किया तो मेरे को 28 प्लस मिला। तो इस वक्त अपनी रैंकिंग भी 200 के अंदर आ चुकी है, अपने पूरा ट्राई करेंगे कि अपनी रैंकिंग 100 के अंदर आए। तो फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।